हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं हवाई मोबाइल के कैमरा ब्लैक स्क्रीन प्रॉब्लम के बारे में कि कैसे आप इसे सही कर सकते हैं। तो गाइस, जो भी प्रॉब्लम आएगा उसका मैं सलूशन बताने वाला हूं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको मोबाइल के सेटिंग्स में जाना है। देखिए, यहाँ पर आने के बाद आपको सर्च बार में क्लिक करना है और यहाँ पर आपको लिखना है ऐप। जैसे आप ऐप लिखेंगे तो ऐप लिस्ट या ऐप मैनेजमेंट नाम की सेटिंग मिल जाएगी, जहाँ पर सभी ऐप्स रहते हैं। तो आपको बारी बारी से क्लिक करके चेक कर लेना है, या ऊपर या नीचे देखेंगे तो मिल जाएगा। चलिए हम ऐप लिस्ट पर क्लिक करते हैं। आप नीचे ऊपर थोड़ा चेक कर लेना, मिल जाएगा। फिर ऐप लिस्ट पर क्लिक करते हैं तो देखिए, जहाँ पर सभी ऐप रहते हैं यहाँ पर आप आ जाएंगे। आपको यहीं पर आना है। अब आपको सिंपली देखिए, यहाँ पर आप आ जाएंगे। अगर आपके फ़ोन में सर्च वाला ऑप्शन शो नहीं कर रहा है या फिर सर्च नहीं कर पा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो कोई बात नहीं गाइस, आपको मोबाइल के सेटिंग्स में जाना है। फिर आपको आ जाना है नीचे, और जैसे थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप चेक कर लेना, आपके फ़ोन में ऐप मैनेजमेंट, ऐप मैनेजर या ऐप्स नाम की सेटिंग मिल जाएगी, जहाँ पर सभी ऐप रहते हैं। आपको इस सेटिंग पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको ऐप लिस्ट नाम की सेटिंग मिल जाएगी। ऐप लिस्ट वाली सेटिंग पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आपको ऊपर की साइड दो डॉट या थ्री डॉट या मोर का एक ऑप्शन मिलेगा। आपको इस मोर वाले या थ्री या दो डॉट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर आपको शो सिस्टम पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप देखिए शो सिस्टम पे क्लिक करेंगे, अब आपको सर्च बार में क्लिक करना है और यहाँ पर लिखना है कैमरा। जैसे कैमरा लिखेंगे तो कैमरा आ जाएगा। आपको कैमरा पर क्लिक करना है, स्टोरेज यूजेज पे क्लिक करना है, क्लियर कैच और क्लियर डेटा और ओके कर देना है, फिर बैक आना है। देखिए, यहाँ पर मैंने आपको बताया स्टोरेज क्लियर डेटा कर देना है, बैक आना है, फिर बैक आना है। अब यहाँ पर आपको एक दूसरा कैमरा मिलेगा नीचे, आपको इस कैमरे पर क्लिक कर देना है, स्टोरेज यूजेज पे क्लिक करना है और यहाँ से इसे भी क्लियर डेटा और ओके कर देना है, फिर बैक आना है। इसी प्रकार जितने भी आपको मिले आपके फ़ोन में उसे क्लियर डेटा यहाँ पर कर देना है, कैमरा से रिलेटेड जितने भी ऐप्स आए हैं। अब आपको इतना करने के बाद बैक आना है मोबाइल के होम स्क्रीन पर। और अब गाइस, आपको क्या करना है, मोबाइल के पावर बटन को जिससे मोबाइल को लॉक करते हैं उसे दबा के रखना है कुछ सेकेंड तक। तो रीस्टार्ट या रिबूट नाम की सेटिंग मिल जाएगी, इस सेटिंग पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक कर देंगे आपका फ़ोन रीस्टार्ट होगा, स्विच ऑफ होकर स्विच ऑन होगा, और फिर गाइस आप अपने कैमरा को ओपन करना। तो चलिए कैमरा को ओपन करते हैं, नीचे ओके करते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कैमरा बिल्कुल भी सही है, जो भी प्रॉब्लम थी सब सही हो चुकी है। तो गाइस, इस तरीके से आप अपने कैमरा कुछ सही कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।